एशियन टाइगर जो है वो आपका हिंदुस्तान है इंडियंस ने तकरीबन कैप्चर किया हुआ है आई टी मार्केट को इंडियंस ने बहुत सारी और सब्जेक्ट को कैप्चर किया हुआ है क्या कितने आपके ख्याल में पाकिस्तानी आए फेलोशिप्स हासिल की पढ़ने के लिए आए उनका फोकस नजर आया वो एग्जिस्ट ही नहीं करते एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जी बिल्कुल हाँ, इंडियंस यहाँ हर जगह इंस्टीट्यूशंस में फैले हुए हैं वो बने हुए हैं कुछ लोग तो डीम्स तक पहुँच गए हैं मोदी यार चौदह साल की उम्र पे घर छोड़ के आर एस एस के लिटरेचर के साथ पूरा हिंदुस्तान घूमा वापस आया दस मिनट आया और लिटरेचर लेके फिर घूमा कैन यू अंडरस्टैंड दिस मैन मोदी जी हिंदुस्तान ये क्यों कर रहे होते हैं क्या हम मतलब नालाई की तो खैर कहीं डकी चुपी नहीं है पाकिस्तान की मीडिया में बीते साल 2021 का आकलन करते हुए यह कहा जा रहा है कि भारत एशियन टाइगर हो चुका है और इसके अलावे भारतीय पूरी दुनिया में बड़े बड़े पदों पर छाए हुए हैं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत तो इतनी खराब हो गई है कि अब पाकिस्तान के मित्र देश भी पाकिस्तान से पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि कहीं पाकिस्तान को कर्ज न देना पड़े भारत की गौरव गाथा की कहानी आइए सुनते हैं पाक मीडिया की जुबानी इंडियंस ने तकरीबन कैप्चर किया हुआ है आईटी मार्केट को इंडियंस uh, ने बहुत सारी और सब्जेक्ट को कैप्चर uh, uh, किया हुआ है पाकिस्तानीज का ध्यान इस साइट पर है या नहीं है प्रोफेसर साहब का ताल्लुक uh, जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है उससे है श्रीनगर से उनका ताल्लुक है uh, क्या कितने है आपके ख्याल में पाकिस्तानीज आए फेलोशिप्स हासिल की पढ़ने के लिए आए उनका फोकस नजर आया वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं नहीं करते जी तक का द पाकिस्तानी जो है नॉन एग्जिस्टेंट है क्योंकि उनकी तरफ उनका रुझान नहीं है मैंने देखा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड बहुत नीचे है जो अंग्रेज छोड़ कर गए वहीं तक का है हम हम पाकिस्तान के अंदर आपके ख्याल में अपग्रेड नहीं हुआ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करते आप आप मेडिकल साइंस देखें जिस यूनिवर्सिटी में हूँ इंडियंस यहाँ हर जगह इंस्टीट्यूशन में फैले हुए हैं वो प्रोफेसर बने हुए हैं कुछ लोग तो डीन्स तक पहुँच गए हैं एंड बड़ी बड़ी पोजिशन डू यू सी ऑलमोस्ट जिस कंपनी में मैंने काम किया है जिस कंपनी को मैं जानता हूँ उनका कुछ ना कुछ वर्क ऑफ में बैठा हुआ है जो इंडिया से ऑपरेट इंडिया से काम आप आईटी के डेवलपर्स ले लें ले, आप टेस्टर्स ले लें आप और जिस मर्जी फील्ड में ले लें आप इवन के कस्टमर सर्विस की कॉल यहां करते हैं सीधा वहां जाकर एशियन एश, टाइगर जो है वो आपका हिंदुस्तान है एशियन टाइगर इस तरह के और मैं कहती हूँ भूटान और वो हमारी इकोनॉमी से बहुत अच्छी इकोनॉमीज है उनकी तो मैं तो उनको कहता हूँ पाकिस्तान तो शायद अफगानिस्तान से भी नहीं जो है ये इमरान खान साहब ऐसे ही कहा करते हैं क्योंकि जाहिर है अब इनके पास कहने के लिए कुछ रह तो गया नहीं है सारी दुनिया को पता है कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे ये गए हो और इन्होंने वहां जाके ये भीख ना मांगी हो लोग इनको बुलाते हुए डरते हैं लोग इनसे बात करते हुए डरते हैं लोग उनके फोन उठाते हुए डरते हैं लोगों को लगता है ऐसा ना हो हम इनका फोन उठा लें तो ये आगे से हमें कोई कहानी सुना के भीख मांग लें कि हम हर चीज में मोदी जी हिंदुस्तान ये क्यों कर रहे होते हैं क्या हम मतलब नलाय की तो खैर कहीं छुपी नहीं है वो असद उमर साहब हो हमारे आ, बाकी कैबिनेट के लोग हो इंक्लूडिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हो किससे हमने कर्जा ले रखा है चाहे वो सऊदी अरब हो यानी दुनिया में कोई मुल्क हमने शायद शायद ही ऐसा छोड़ा होगा कि जिससे हमें उम्मीद हो कि थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे और हमने उससे ना मांगे हो उस जगह पे दोनों पहुंचा दिया है आ, पाकिस्तान की इकोनमी को उसके बाद फॉरेन पॉलिसी हमारी जीरो है हमें आ, चाहे अफगानिस्तान हो अब अफगान तालिबान भी हमें आंखें दिखा रहे हैं चाहे ईरान हो चाहे इंडिया हो आ, कोई भी कंट्री इवन अमेरिका हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो फ्रांस के लिए भी आप जानते हैं कि किस किस तरह की हरकतें हमारे की गई कि फ्रेंच एम्बेसिडर को निकालने के लिए वो भी हमसे नाराज हैं उसके बाद श्रीलंकन सिटीजन को जिस तरह से मारा गया और उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से हमने मुल्ला माफिया को एक सपोर्ट दी है इमरान खान ने जो है वो टीएलपी के आगे से बैन ऑर्गेनाइजेशन हटा दी है तो हर फील्ड में वो हमें फेल होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ तक एजुकेशन फील्ड में भी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए फैसल भाई आपको बहुत ज्यादा तजर्बा है यहाँ की सियासत का और पाकिस्तान की भी सियासत का आपसे कोई बात नहीं छुपी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है अमेरिका में देर इज़ नो फ्री लंच इन यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है यहाँ पे जो कमज़ोरियाँ हैं हमारी वो बहुत ज़्यादा है डोमिनेंस है जो इंडियंस की है आप जितनी उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें वो बहुत टाइम उसमें चाहिए अब वाइट हाउस में जो 55 के करीब जो है इंडियंस हैं पाकिस्तानी हैं जो तीन हैं वो भी ऐसे हैं कि उनकी कोई पार्टी से कोई आम कम्युनिटी से कोई उनका रहा नहीं हाल होगा जब आप बात समझा नहीं पा रहे और अगले की बात समझ नहीं रहे और आप तो कैसे तल्क बेहतर हो? तो हो सकता है ना कि पॉलिसी है यो कि ना समझाना है ना समझना है हमारे देश को चीन के हाथों मिली पराजय हमारे देश के लिए एक चेतावनी भी था और सबक भी था और यह चेतावनी जरूरी भी था क्योंकि हमारे देश के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान कैसे हैं यह सबको ही पता है चीन ने जो किया था उन्नीस में वही काम उन्नीस में पाकिस्तान करने की कोशिश किया लेकिन इसमें पाकिस्तान को बुरी तरह असफलता पराजय हाथ लगी यहाँ तक कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक बड़े भूभाग पर कब्जा भी जमा लिया था लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ताशकंद समझौता हुआ पाकिस्तान पर जो कब्जा भारतीय सेना ने किया था उस इलाके को छोड़ना पड़ा और उसी दौरान संदेहास्पद स्थिति में हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो गई लेकिन पाकिस्तान और चीन अपनी मनसा जो भारत के खिलाफ उनकी इरादे थे उसको वे छोड़ नहीं पाए और पाकिस्तान ने तो फिर उन्नीस सौ निन्यानवे में कारगिल भी कर दिया इसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और बुरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती का भी सामना करना पड़ा लेकिन पाकिस्तान अपने इरादे से वाज नहीं आया जब देखा पाकिस्तान कि वह सीधे तौर पर भारत से नहीं लड़ सकता तो फिर वह वा आतंकवाद वाला रास्ता अपनाया और अपने हाथ से आतंकियों को भारत में भेजना शुरू किया और भारत ने उस पर भी काबू पा लिया और इसका उदाहरण आप देख रहे होंगे कि पहले जब आतंकी पाकिस्तान से आते थे तो भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत से गुहार लगाता था कि पाकिस्तान आतंकी भेजता है और पाकिस्तान उल्टे हमेशा जब वहाँ पर कोई आतंकी घटना होती है तो वह भारत पर इल्जाम लग लगाता है तो आप समझ चुके होंगे कि कैसा पासा पलट गया है दूसरी तरफ चीन ने एक दूसरा तरीका अपनाया वह भारत से संबंध समान करने लगा व्यापार बढ़ाने लगा और फिर अचानक उसको मौका मिला तो जून 2019 में गलवान वाली घटना कर दिया जिससे भारत को बहुत बड़ा धक्का लगा भारत को चीन की तरफ से यह अपेक्षा नहीं थी कि वह वैसा वह करेगा चीन की अंतर्राष्ट्रीय बेजती तो हुई कि चीन ने ऐसा क्यों किया लेकिन भारत उन्नीस वाला भारत नहीं था अब चीन को वह मुंहतोड़ जवाब देने लायक था और इसी कारण चीन ने जब हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया तो बयालीस सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने उसी दौरान शहीद कर लिया था और अभी भारत ने चीन वाले इलाके का ब्लैक टॉप पर कब्जा भी जमा लिया है जिससे दोनों देश के बीच संबंध समान करने में गतिरोध बना हुआ है क्योंकि चीन चाहता है कि भारत ब्लैक टॉप छोड़ दे और भारत को पता है कि अगर भारत ब्लैक टॉप छोड़ देगा तो फिर चीन तनाव कम नहीं करेगा उसका रवैया बदल जाएगा रसिया हमेशा से ही भारत का दोस्त रहा है उन्नीस के युद्ध में तो भारत को इतना मदद किया कि भारत ने पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया अगर रशिया मदद नहीं करता तो शायद वह काम भारत पूरा नहीं कर पाता रसिया चीन के भी नज़दीक आया है इसलिए रसिया चाहता है कि वह अपने दोनों दोस्त चीन और भारत के बीच शांति स्थापित करा दे ताकि रशिया की स्थिति कभी भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो फिर कोई निर्णायक भूमिका निभाने के लिए निर्णय न लेना पड़े तो उसको बड़ा एक्वर्ड पोजीशन में होना पड़ेगा कि वह किसका साथ दे क्योंकि भारत के साथ रक्षा संबंध बहुत रशिया के साथ बहुत तगड़े हैं और रशिया नहीं चाहता है कि चीन को वह नाराज करें क्योंकि चीन से अभी वह आर्थिक मदद लेना चाहता है लेकिन रशिया चीन को अपना बड़ा भाई भी बनने नहीं देना चाहता जब चीन और भारत के बीच संबंध सामान्य रशिया कराना चाहता है यह खबर बाहर आई तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डर का कारण बन गया है क्योंकि पाकिस्तान को चीन से मदद भारत के खिलाफ काम करने के लिए ही मिलता है लेकिन अगर भारत और तो चीन मिल गए तो फिर पाकिस्तान को मिलने वाली मदद बंद हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा पाकिस्तान को यह सलाह है कि वह अपने से आतंकियों को भारत में भेजना बंद करे भारत से संबंध समान कर ले उसका डर स्वतः खत्म हो जाएगा आज के लिए बस इतना ही जय हिंद आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुँच जाए धन्यवाद जय हिंद